हेलो क्लास LKG एंड UKG के बच्चों, कैसे हो? सबके सब अच्छे हो? वेरी गुड। सोच रहे होगे कि प्ले नर्सरी को तो अंशिका मिस पढ़ाई, फिर LKG UKG में सर क्यों चले आए। तो अंशिका मिस को आज जाना था, तो उन्होंने अपना वर्क तो कर दिया है और एक दो दिन पहले का भी वीडियो उनको करना था, लेकिन कुछ कारणवश वो आज पहले चली गई और 7 दिन की छुट्टी पे गई है। यानी वो भी 7 दिन क्लास नहीं लेंगे आप लोगों का। तो उस बीच में हो सके या तो आपके अविनाश सर क्लास लेंगे या तो कोई दूसरी मिस या दूसरे सर कोई क्लास लेंगे, है ना। तो क्योंकि ये बचा हुआ वर्क है तो वो करना तो पड़ेगा ही। तो आज जो मुझे वर्क करना है, अंशिका मिस का काम मैं कर रहा हूँ, LKG का और UKG का। और पता नहीं, उम्मीद है कि नेक्स्ट सैटरडे तक तो काम करना ही पड़ेगा जैसा लग रहा है मुझे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, डरना भी नहीं है। अविनाश से पिटाई नहीं करते हैं पढ़ने वाले बच्चों को और प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या पढ़ने जाना है, हमें पहले पढ़ना है ये देखो, ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर एम। यानी स्मॉल लेटर एम को हमने क्या करना है, ट्रेस करना है। जो आपको डॉटेड लाइन से, इसको या डॉटेड से कह सकते हैं कि डॉट से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस डॉट के ऊपर आपको पेंसिल से मूव करके उस डॉट के पाथ को ट्रेस करके हमें क्या करना है, एम को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, सर्कल द अल्फाबेट एम। कैपिटल एम को एक सर्कल है, देख लो उसके अंदर बहुत सारे लेटर हैं और उन लेटर में से आपको एम लेटर पे जो है वो सर्कल करना है, ठीक है। फिर क्या है, बस इतना ही है, लास्ट पे जाइए। हिंदी में क्या पढ़ना है, दो वर्ण से बने 10 शब्द को लिखना है। तो दो वर्ण से बने शब्द को आप देख लो, इसमें जग नल हल घर सब दिया हुआ है। इस पे आपको क्या करना है, यानी 10 शब्द लिखना है और आप कोशिश करना कि आप इसको लर्न भी कर लो, ताकि आपसे कोई पूछे कि दो वर्ण के 10 शब्द सुनाओ तो आप सुना भी दो। फिर लास्ट में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, यानी मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें हम आज 4 के टेबल को जानेंगे कि 4 का टेबल क्या होता है। आप उसको काउंटिंग करना सीखेंगे, यानी टेबल पढ़ना सीखिएगा 4 का। फिर UKG में देख लो, पहले भी मैंने एक बार ये पढ़ाया हुआ है, मैम ने रिपीट कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे। सर्कल द वर्ड वन आउट, अच्छा है ना, रिवीजन हो जाएगा। फिर हिंदी में गोले में दिए गए वर्णों को नीचे, गोले में दिए गए वर्णों को चित्रों के नामों से मिलाइए, ये काम करना है UKG वालों को। और लास्ट पे UKG में क्या करना है देख लीजिए, तो ज्वाइन द मैंगोज विद देयर रिस्पेक्टिव बास्केट्स। आपने 2 का टेबल इसे पहले पढ़ा था UKG वालों ने, तो 2 का टेबल का यूज करके यहाँ पे काम करना है। वो जब मैं बताऊंगा तो अपने आप समझ जाओगे आप लोग। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास LKG से, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर एम। हालांकि मैम ने यहाँ पे कैपिटल से दिया है तो आपको उसको स्मॉल कर लेना, ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर एम। तो कैसे भाई, यहाँ पे देखो, ये देखो आज आपको जो न्यू मार्कर लेके आया हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है। तो एम ये होता है ना। अब मैम ने क्या किया है, मिस ने सॉरी, कि इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है और बोला है कि इन डॉट का यूज करके, यानी इन डॉट को ट्रेस करके आप एम को कंप्लीट करो। ट्रेस मतलब कि जहां जहां आपको डॉट दिया हुआ है आप उसके ऊपर पेंसिल मूव करेंगे, यानी इस डॉट के रास्ते को कंप्लीट करेंगे। बीच बीच टूटा हुआ है रास्ता, तो इस रास्ते को हमको कंप्लीट करना है डॉट को ज्वाइन करके, वो भी अपने पेंसिल से, ठीक है, और सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, जब भी आप पूरा यहाँ तक आओगे तो आपको वो कंप्लीट लेटर एम मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें, देखिए मेरा राइटिंग तो बचपन से अच्छा है, मैंने पहले ही बताया था आप लोग को। देखो देखो देखो, हो गया, मार्कर न्यू है दिए सही से जो है ये दिख नहीं रहा हम लोग को। तो ये एम कैपिटल एम लेटर जो है स्मॉल लेटर कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सर्कल द अल्फाबेट कैपिटल एम, ठीक है। यानी सर्कल द अल्फाबेट, ये सर्कल द लेटर कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम जो है उसको हमें क्या करना है,
एक सर्कल के अंदर बहुत सारा लेटर दिया हुआ है, उस लेटर के अंदर, उस सर्कल के अंदर बहुत सारा लेटर दिया हुआ है, लेकिन हम उसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, क्या पता करेंगे एम कहाँ पे है, और जहाँ पे एम होगा उस पर भी एक सर्कल कर देंगे, यानी सर्कल के अंदर सर्कल करना है हमें। तो देख लो, अब देखिए यहाँ पे है एम है ना, तो देखो यहाँ पे क्या था, ए है, एम है, डी है, बी है, ओ है, आर है, क्यू है, सी है, एल है, पी है, आर है। अब एम कहाँ पे देख लो, एक एम यहाँ पे ले लिया मैंने, एक एम यहाँ पे है, बस यही दो एम है इसके अंदर, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, लेकिन वो काम है उतना ही करना है कि एम को ही फाइंड करना है, एम को ही पता करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो लेटर दिया हो बिल्कुल उसी तरह से लिख करके आप एम को फाइंड करोगे, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि हम इस तरह का वर्क क्यों कर रहे हैं, कि पहले हम एम का लेटर, एम के लेटर को ही दे रहे हैं लिखने के लिए, ट्रेस करने के लिए, फिर बाद में उसी एम को कहीं सर्कल के अंदर फाइंड कर रहे हैं। क्यों ऐसा? ताकि हमें एम के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि एम होती क्या है, यानी एम क्या होता है, ठीक है। और हमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर एम दोनों लिख ले, तो आप स्मॉल लेटर दिया हुआ ना, आप वहां पे कैपिटल एम को भी ट्रेस कर लेना, ठीक है, मम्मी की मदद से अपने। अब हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कि दो वर्ण से बने 10 शब्द लिखो। तो भाई स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना हमने, तो उन्हीं वर्णों में से करा है कि, हालांकि इसमें आप देख लो वो वर्ण शब्द कौन कौन से है, जग, नल, हल, भर, चल, चक, फल, पढ़, भग, फग नहीं, मग है, तब है, यानी जल है, नल है, हल है, घर है, चल है, तब, भग, पढ़, फल, चक। तो ये सब शब्द दिए हैं, और मुझे जहां तक दिख रहा है कि इनमें से सारे के सारे व्यंजन वर्ण है, ठीक है, यानी क से लेके ज्ञ तक जो शब्द शुरू, अक्षर शुरू होते हैं वो, या वर्ण जो शुरू होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जितने भी शब्द हैं वो व्यंजन वर्ण से ही बना हुआ है, इसलिए इसने यहाँ व्यंजन वर्ण भी लिख दिया कि ये शब्द किससे बने हुए हैं, व्यंजन वर्ण से ही बने हुए हैं। तो हमें क्या क्या पता चल जाएगा इसे, एक तो हमें शब्द बनाना आ जाएगा और व्यंजन वर्ण का पहचान आ जाएगा, और व्यंजन वर्ण से मिले हुए शब्द का भी पता चलेगा, ठीक है। तो दो वर्णों से बने 10 शब्द देखे, तो वर्ण क भी क्या है, एक वर्ण है, क भी क्या है, एक वर्ण है, क भी एक वर्ण है, ठीक है, ग भी एक वर्ण है, ठीक है। तो सॉरी, तो आपको क्या करना है, जैसे जौ भी एक वर्ण है, लेकिन देखो इस वर्ण को उठाया मैंने, इस वर्ण को उठाया और एक पहले जौ को लिख दिया, ठीक है, जौ, फिर लिख दिया गौ, और जब जौ गौ अलग लिखा कुछ क्या करो, उसको ज्वाइन कर दो, तो क्या बन गया, जग, यानी दो व्यंजन वर्ण से मिलकर एक दो वर्णों का शब्द बन गया ये, ठीक है। उसी तरह से न एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, न ल नल शब्द बन गया, हल हल शब्द बन गया। वैसे ही करके आपको क्या करना है, ये सारे शब्दों को कंप्लीट करना है और समझना है, याद भी करना है कि ये व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथ्स में राइट एंड लेफ्ट टेबल फोर, ठीक है, तो फोर बन जा फोर, फोर टू सा एट, फोर थ्री सा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, फोर सेवन जा ट्वेंटी एट, फोर नाइन जा फोर एट जा सॉरी फोर एट जा थर्टी टू, फोर नाइन जा थर्टी सिक्स, फोर टेन जा फोर्टी। काफी शोरगुल हो रहा है, गाड़ी घोड़ा यानी उठते भाव बना है, गाड़ी भी आ जा रही है। तो ये फोर का टेबल है, यानी फोर वन जा फोर, यानी फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हुआ, फोर वन जा करने का होता है कि फोर को जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर होता है, फोर को जब टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो एट होता है, फोर को जब थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेल्व होता है, फोर को जब फोर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिक्सटीन होता है, ठीक है। आप ये जो क्रॉस है ना, क्रॉस ऐसे ही इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, ठीक है।
फोर को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेंगे, यानी 16 आएगा। फोर को जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। फोर को जब सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। फोर को जब सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। फोर को जब एट से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। फोर को जब नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। और फोर टेन जब यानी फोर को जब टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। उसी को जब हम टेबल पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे पढ़ते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, ठीक है। आई बात समझे, वेरी गुड। 25 मेरे समझदार है तो समझ में क्यों नहीं आएगा, क्यों? मेरे दोनों स्कूल के बच्चे काफी अच्छे हैं और बच्चे ऐसे भी अच्छे होते हैं। प्ले नर्सरी के बच्चे भी मेरे काफी अच्छे हैं और सर अच्छे हैं कि नहीं? नहीं है, है ना? हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा हूं। अब तुम ही लोग जानो मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। तो यानी आपका एलकेजी का क्लास खत्म हो गया, यानी एलकेजी के वर्क हम खत्म कर चुके हैं। एलकेजी वाले बच्चे अब जा सकते हैं। या यूकेजी भी पढ़ना चाहें तो रुक सकते हैं, भैया लोग के साथ पढ़ लो यूकेजी। अब फिर देखो ये सर्कल द ऑड वन आउट जो मैंने एक दिन पढ़ाया था आप लोगों को, यानी वो वर्ड को हमें ऑड यानी बाहर निकाल देना है। ऑड वन आउट यानी जो दिखने में अलग लग रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करो, तो सर्कल कर दो। और तरीका भी बता दिया गया कि कैसे आप बताओ बताओगे कि वो अलग है। यहाँ ईटी दिया हुआ है, यानी ईटी दिया हुआ है और बोला है बीईटी बैट नेट जीप। तो लास्ट देखो आप कैसे ऑड वर्ड बैट नेट बोलने में भी एक तरह का लगता है, लेकिन जीप कुछ अलग तरह का लगता है, ऑड लगता है। बैट नेट जीप, बैट नेट सेट होता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बैट नेट जीप, ये जीप काम खराब कर रहा है ना। और क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि देखो बैट में भी ईटी है ना यार, ईटी नेट में भी ईटी है, जीप में क्या ई तो है लेकिन टी की जगह क्या है, पी है। इसलिए ये हमारे काम को खराब कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये ऑड हो गया, यानी ये इन दोनों से अलग हो गया, इसी को कहते हैं ऑड होना। तो हम क्या कर लेंगे, इसको सर्कल कर लेंगे। आया बात समझ में? ठीक है, वैसे ही देखो ई डबल एल है, अगला अगला जो है क्या, इससे पहचानना है कि कौन सा ऑड होगा कौन सा नहीं होगा, यानी इनका यूज करके हमको वर्ड को पहचानना है कि कौन ऑड है। तो देखो सेल है, बेड है, टेल है। तो देखो ये EL आ गया है इसमें भी, ये EL आ गया इसमें भी, लेकिन EL कहाँ है, E तो है लेकिन डबल L कहाँ है, नहीं है ना, यानी इसके चलते काम खराब हो गया। अगर इसमें भी EL होता है तब तो कोई ऑड वन नहीं होता, तब तो फिर ये क्वेश्चन ही हमारा सही नहीं होता ना। लेकिन चूंकि इसमें ED आ गया इसलिए ये क्या हो गया, ऑड हो गया, है ना। फिर उसी तरह से N है, तो देखो BL है, फिर तो देखिए N में क्या है, हैन है, हैन में ई एन है, टेन में ई एन है, लेकिन बी एन में ई एन है क्या, नहीं ना, तो यहाँ ये इसमें बी एन हो जाएगा। ई ए में क्या हो जाएगा, देखो देखो यहाँ पे दिया हुआ है ई ए आया ना, डी एन में ई ए बीच में है डी एन, फिर यहाँ पे देखो पी एन में ई ए आ रहा है, लेकिन एल ई डी में एल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एल ई डी ऑड हो जाएगा। फिर देखो जीप लेट फिट डबल ई किसमें आ रहा है, तो जीप में आ रहा है, फिट में इस बार जीप नहीं बाहर जाएगा, इस बार जीप, जैसे देखो ये बता देना हूँ यहाँ पे डबल ई है, यानी इसका यूज करके हमको बताना है। तो जीप है, लेट है, फिट है। तो आप एक चीज देखो कि डबल ई है यहाँ पे, डबल ई है यहाँ पे, यहाँ तो सिंगल ई है ना, तो इस बार जीप इसका काम को कर दे रहा है, तो इस बार जीप को बाहर नहीं ले जाएंगे हम, ठीक है। ऐसे भी जीप भेजने वाली बाहर निकालने चीज नहीं, जीप तो घूमने वाली चीज है, उसको तो पास में रखेंगे, ठीक है। अब फिट, फिट तो बिना फिट तो जरूरी है, जब तक फिट नहीं रहेगा तो हम जीप पे चलेंगे कैसे, है कि नहीं। तो बाहर किसको करेंगे, लेट को, ठीक है, यानी बाहर इसमें देखो कौन आ रहा है, यहाँ बेड हो रहा है बाहर, यहाँ जीप बाहर हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोले में दिए गए वर्णों को, गोले में दिए गए वर्णों को चित्रों के नामों से मिलाइए। देखिए यहाँ पे गोला दिया हुआ है, आ बड़ी ई ल त, इन वर्णों को नीचे दिए गए चार पिक्चर दिए हुए हैं अलग अलग चीजों के, ईख का दिया हुआ है, तरबूज का दिया हुआ है, लट्टू का दिया हुआ है, आम का दिया हुआ है। तो दिए गए वर्ण जो भी चीज यहाँ पे दिया गया है, जो भी चीज है, चाहे वो फल हो, चाहे वो खेलने वाला चीज हो, चाहे खाने वाला चीज हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उनका नाम किससे स्टार्ट होता है, कौन से वर्ण से स्टार्ट होता है। तो जिस वर्ण से स्टार्ट हो रहा है उस वर्ण को उठा करके, यानी जो शब्द में इन चारों में से जो दिया गया वर्ण शब्दों के पहले आता है, ठीक है, जैसे आम है तो आम में आ पहले आ रहा है ना, यानी पहला वर्ण आम का क्या है, आ है। आम शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है। तो आ कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये वाले वर्ण को उठा करके हम आम वाले शब्द से जोड़ देंगे, यानी आ से ही बनता है आम, यही सिखा रहा है इसमें, ठीक है। ठीक वंशिका भी इसकी तरफ ड्रॉइंग नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जैसे देखते हैं प्रयास करके, रिमार्कर रखता नहीं चलेगा आज ये। तो ऐसा करते हैं कि ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, आ दिया हुआ है, देखो ये तो एकदम खटाखट चल रहा है, ई ल त। अब ये देखो आम है, वाह थोड़ा बहुत हो गया, ठीक है। आ से कहा जो हम ज्वाइन कर दिए आम को, ठीक है, आम जुड़ गया, ठीक है। वैसे ही आपको बना करके तरबूज, तो से तरबूज को ज्वाइन कर देना है, यहां से ये यहां जाएगा इसे तरबूज, ठीक है, बड़ी से यहां पे जाएगा इमली, ठीक है, और लौ से आप देख लो किसने किया हुआ, लौ से कहा ज्वाइन कर दिया सीधा नीचे एकदम लट्टू, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। मैं पिक्चर में थोड़ा सा कमजोर हूँ, थोड़ा नहीं पूरा कमजोर हूँ, तो आप लोग को मम्मी की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। अब मैं इसमें देखते हैं क्या, ज्वाइन द मैंगोज विद देयर रिस्पेक्टिव बास्केट्स। आपको मैंने बोला था कि इसमें हम टेबल का यूज करेंगे, हमने टू का टेबल पढ़ा था ना, अब उस टू का टेबल का यूज आ गया है, यानी वो टेबल से लर्न करने को नहीं था, उसका यूज है लाइफ में, और उसका पहला यूज यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ दिखाया जा रहा है कि एक पेड़ है, उसके नीचे बास्केट लगा हुआ है, और हर बास्केट का एक क्षमता है, यानी अपना एक कैपेसिटी है, जो टेबल के फॉर्म में दिखाया गया है कि 2 4 4। तो 2 4 4 कितना होता है, 8। तो ऐसे कर लेंगे पहले, 2 6 4 क्या होता है, 12। 2 8 क्या होता है, 16। 2 3 4 क्या होता है, 6। 2 2 4 क्या होता है, 4। 2 9 क्या होता है, 18, ठीक है। यानी हमें पता चल गया कि इस बास्केट में 8 मैंगो जा सकता है, इसमें 12 मैंगो जा सकता है। तो बस अब करना क्या है, वीडियो थोड़ा सा बीच में कट गया था बच्चों, इसलिए मैंने फिर से बनाया है इसको, पता नहीं चला कब वीडियो कट गया। तो देखो पहले यहाँ पे जो दिया हुआ ना टेबल, मैं उसको क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट आउट कर दूंगा, यानी मैं लिख लूंगा उसको है क्या, जैसे यहाँ पे 2 2 जो है 2 2 जो 4 होता है, 2 3 जो सिस्टमेटिक वे में 2 3 जो 6 होता है, 2 4 जो 8 होता है, 2 6 जो 12 होता है, 2 8 जो 16 होता है, 2 9 जो 18 होता है। यानी ये सारा चीज डाटा हमको पता चल गया, ये सारा जानकारी पता चल गया कि इस टेबल का वैल्यू क्या है, ठीक है। अब क्या करो, बारी बारी से उसको लिखो, 2 2 जो कितना होता है, 4 है ना, 2 3 जो क्या होता है, 6 यहाँ पे लिख दो, 2 4 जो क्या होता है, 8, 2 6 जो क्या होता है, 12, 2 8 जो क्या होता है, 16, 2 9 जो क्या होता है, 18। आया बात समझ में। अब क्या करो, देखो यहाँ पे मुझे फाइंड करो 4 कहाँ पे है, 4 मैंगो कहाँ पे, यहाँ पे ना, तो बस इसको यहाँ से हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 18 है यहाँ, देखो 2 9 जा 18, ठीक है, फिर 6 है तो 2 3 जा 6, फिर क्या है 16 है, देखो यहाँ से 16 को लाओ ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, 2 6 जा
8 है, यहां से ला 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। तो देखो टेबल का यूज आ गया ना। तो बच्चों ऐसे ही यही वजह से है, सिर्फ टेबल याद करने की चीज होती है, कभी कभी हमको उनका यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे 2 के सिक्के मिल जाएंगे तो आप कैसे करोगे, तो कैसे काउंट कर पाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे, बस सिक्का काउंट कर लोगे। तुम्हारा 10 कॉइन्स आ गया बस 2 का, तो 2 10 का कितना होगा 20। तो आप बता सकते हो कि वो कितने रुपीज होंगे, तो 20 रुपीज होंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ना था। आप लोग से यही गुजारिश है कि घर से बाहर नहीं निकलिएगा, स्थिति सही नहीं है, तो घर में ही रहिए, पढ़िए, टीवी देखिए, खाइए पिए, मौज मस्ती से रहिए, लेकिन रोड पे नहीं निकलिए। आप तमाम पेरेंट्स से मेरा यही कहना है कि हमारी समझदारी से ही हम अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे में अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल ना निकलने दें, क्योंकि पता नहीं कब कौन बाहर हो सकता है, कोरोना संक्रमित उसी रास्ते से गुजरा हो। ठीक है, तो काफ़ी नहीं कहते काफ़ी एकदम छोटे लेवल पे भी हमको इस बीमारी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बस यही दरख्वास्त है कि आप लोग घर से नहीं निकलिए, सभी लोग काम से ही घर से निकलें। मैं भी अपने काम से निकलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे भी किसी काम से ही जाए और काम करके तुरंत घर लौटे, कहीं भी ना रुके। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, और तब तक इस समस्या का समाधान यही है कि हम अपने बुद्धिमानी से काम लें। ठीक है, तो इसी इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे बच्चों अपने अगले लेक्चर में। मौका मिलेगा तो मैं खुद भी पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है बच्चों को पढ़ाना, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो जैसे मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, तो आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, यानी यू हैव टू एंजॉय इन लर्निंग, ओके फ्रॉम योर टीचर्स। तो अब सर को बाय बोलो, बाय बाय, टेक केयर।